गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज चैप्टर नंबर 7, ओके, द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। इससे पहले भी क्लास 3 में हम एक चैप्टर पढ़ चुके हैं प्लांट्स के ऊपर, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि कौन कौन से टाइप की रूट्स होती है। उसमें से हमने एग्जाम्पल पढ़े थे फाइब्रस रूट के, आपको अगर ध्यान हो। ओके, तो सबसे पहले मैं आता हूँ प्लांट्स के बारे। सबसे पहले जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम रूट्स के बारे में। आप सभी ने प्लांट्स देख रखे हैं, पौधे देख रखे हैं, ओके। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं आपको एक प्लांट बोलूँ और वो ज़मीन पे लगा हुआ है ना, और आपको मैं बोलूँ उसको उखाड़ने के लिए कि उसको ज़मीन से उखाड़ो, जैसे आप उसको उखाड़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत आसानी से नहीं उखड़ सकता है, वो बहुत मुश्किल से उखड़ता है। तो रीज़न ये है कि वो उसकी जो जड़ होती हैं वो सॉइल के अंदर बिल्कुल उसको होल्ड करके, प्लांट को फर्मली मतलब बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखती है। ये जो बहुत स्ट्रांग तरीके से अंडरग्राउंड यानी सॉइल के अंदर जो होल्ड करके रख रही है, इसी चीज़ को हिंदी में जड़ बोलते हैं और इंग्लिश में रूट्स बोलते हैं, ओके। रूट्स का काम क्या होता है, रूट्स का काम क्या होता है, ये वाटर यानी कि पानी, पानी का एब्जॉर्ब करके रखती है और जितने भी मिनरल्स या फिर न्यूट्रिएंट्स हम बोल सकते हैं सॉइल से आते हैं उनको एब्जॉर्ब करके अपने अंदर स्टोर करके रखती है। अब क्यों करती है स्टोर, प्लांट्स थ्रू आउट द ईयर तो बारिश होती नहीं है, एक पर्टिकुलर सीजन में बारिश होती है, तो उस दौरान इन रूट्स का काम क्या होता है, ये पानी को स्टोर करके रखता है कि जब भी ड्राई सीजन में प्लांट्स को या जब भी पानी की रिक्वायरमेंट हो तो वो उस रूट प्लांट को पानी प्रोवाइड करती हैं। जब भी उसको मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स या फिर जो खाना हो उसने स्टोर करके रखा है रूट्स ने, जब भी प्लांट्स की जरूरत होती है तो उसका यूज़ हो करके अपने आप को, अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती है। तो रूट्स का काम क्या होता है, वाटर एज वेल एज मिनरल्स को स्टोर करके रखना, और जब भी प्लांट्स को उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो उसको यूज़ कर सकते, ओके। सो रूट्स का अगर हम आगे पढ़ें और उसको ब्रॉडली पढ़ें तो रूट्स को दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया, ओके। पहली आती है टैप रूट और दूसरी आती है फाइब्रस रूट, ओके। सबसे पहले हम समझेंगे कि टैप रूट होती क्या है। टैप रूट एक ऐसी रूट होती है जिसकी एक मेन रूट होती है ना, ऐसी बहुत सारी डिफरेंट रूट होती हैं। तो अब रूट की जो इसकी सबसे एक बड़ी जो मेन रूट होती है और उसके आसपास अदर रूट्स निकलती रहती हैं, ओके। अदर मतलब उसकी स्मॉल ब्रांचेस निकली हुई रहती है ना, एक लंबी मेन बहुत लंबी रूट होती है, उसके आसपास डिफरेंट रूट्स लगी हुई होती है, डिफरेंट जड़ें लगी हुई होती हैं, उसको हम बोलते हैं टैप रूट। टैप रूट मतलब एक लॉन्ग रूट है जिसके अदर पार्ट्स, उसके अलग पार्ट्स निकले हुए होते हैं। सो बेसिकली आप एग्जांपल ले सकते हैं कैरेट का, ये एक एग्जांपल हो गया टैप रूट का। आप कुकुम्बर का ले सकते हैं, हिंदी में चुकंदर बोलते हैं, वो एग्जांपल हो गया टैप रूट का, क्योंकि इनकी एक मेन रूट होती हैं, इसके अदर साइड्स आपने डिफरेंट ब्रांचेस देख रखी होंगी, ओके। फिर आती है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट के एग्जांपल हो गया आपके अनियंस और व्हीट। और हम अगर रियल लाइफ में देखें तो आपने अनियंस कभी अपने खेतों में देखे होंगे, उसके जो उनकी जो रूट्स होती है वो फाइब्रस रूट है, क्योंकि फाइब्रस रूट का एग्जांपल है, तो इसकी कोई मेन रूट नहीं होती है, बहुत सारी अलग डिफरेंट रूट्स होती हैं, ओके। डिफरेंट रूट्स होती है, बंच बना हुआ रहता है उन रूट्स का। अगर आपने कभी अनियंस देखे होंगे तो आपने ऊपर वाला पोर्शन देखा अनियंस का, तो उसमें आपने कुछ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऊपर देखा होगा, तो ये वो फाइब्रस रूट का एग्जांपल है, क्योंकि इनकी मेन कोई शाखा नहीं होती, मेन कोई रूट नहीं होती है, ये सब इनके टाइन टाइन स्मॉल हेयर्स टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसी से ये फाइब्रस रूट बनते हैं। ये जो हेयर होते हैं रूट्स के अंदर, आपने कभी गाजर देखी होगी तो उसके आसपास हम एक हेयर्स देखेंगे, इनको हम बोलते हैं रूट हेयर, ओके। अब ऐसे बहुत सारी रूट होती हैं, जो कुछ रूट्स ऐसी सिंपल रूट होती है, कुछ ऐसे रूट्स होती है जो कि अपने अंदर खाना स्टोर करके रखते हैं। सो ऐसे ही एग्जाम्पल खाना स्टोर करने वाले की फूड स्टोरिंग रूट्स के एग्जाम्पल हो गए आपके कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, बीट रूट हो गया, है ना, ये फूड स्टोरिंग रूट्स हैं, ओके। ये टैप रूट का तो मैंने आपको बता दिया, टैप रूट के ही फॉर्म है, एग्जाम्पल है। सो ऐसी कुछ रूट्स होती है जो अपने अंदर फूड स्टोर करना स्टार्ट कर देती है, जो कि हम कंज्यूम करते हैं, ओके। इसका एग्जाम्पल हो गया कैरेट हो गया, रेडिश हो गई, बीट रूट हो गई, कैरेट यानी गाजर, ओके, रेडिश यानी शलजम, बीट रूट यानी कि चुकंदर, ये सारे एग्जाम्पल है ऐसे जो कि अपने ऐसे रूट जो कि अपने अंदर फूड स्टोर करके रखती हैं, ओके, जिसको कि हम स्टार्च बोलते हैं, इन द बायोलॉजिकल फॉर्म हम उनको स्टार्च बोल के रखते हैं, और इन अगर हम बहुत सरल भाषा में समझें तो फूड आइटम्स है ना, जो कि हम कंज्यूम करते हैं, ओके।
ओके। फिर कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो कि अंदर अपने अंदर वाटर स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि हमने बताया। सो कुछ ऐसी रूल्स होती हैं जो कि वाटर स्टोर करके रखते हैं, जो कि जब ड्राई सीजन आता है, समर सीजन आता है, तो उसको यूज़ कर सके। ओके, तो पम्पकिन की यानी कि जो कद्दू होता है उसकी जो रूट्स होती है, वो एग्जाम्पल होगी ऐसे रूट्स की जो कि वाटर स्टोर करके रखें। ओके, कैरेट्स के जो कैरेट हो गया, रेडिश हो गई, बीट रूट हो गई, ऐसे रूट्स के एग्जाम्पल जो कि फूड स्टोर करके रखते हैं। फिर एक और रूट होती है प्रोपोगेटिव रूट्स। ओके, तो कुछ ऐसी फाइब्रस रूट होती है जिनके अंदर बर्ड्स रहते हैं, कुछ ऐसी फाइब्रस रूट होती है जिनके अंदर कुछ कलियाँ लगी होती हैं, जो कि सॉइल के, सिंस फाइब्रस रूट है, रूट्स है तो सॉइल के आसपास ही होगी, तो इनमें कुछ कलियाँ होती हैं, कलियाँ खुद ब खुद ग्रो हो जाती है, खुद ब खुद प्रोपोगेट होना स्टार्ट करते हैं, खुद ब खुद बड़ा होना मतलब फैलना स्टार्ट हो जाती है, है ना, और या फिर इंडिविजुअली ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब खुद ग्रो होने तक। ऐसी जो रूट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं प्रोपोगेटिव रूट्स। एग्जाम्पल हो गए चेरी और स्ट्रॉबेरी। ओके, ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके प्रोपोगेटिव रूट्स के। फिर एक और टाइप की रूट होती है एरियल रूट, है ना, जो कि हवा में दिखती है। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है बरगद का पेड़, कभी आपने देखा हो ना, उसके आसपास ऐसे लगते से कि जो एरियल जो रूट्स होती है ऐसे लगते से कि वो शाखाएं हों, पर वो शाखा नहीं होती, ब्रांच नहीं होती, वो रूट्स होती जो कि हवा में रहती हैं। ओके, दिस आर फाइब्रस रूट, है ना, अगर आपने देखा होगा तो उसकी मेन रूट नहीं, उसके और सब मतलब एक रूट के फिर और डिफरेंट उसके शाखाएं निकल रही हैं उस रूट से। ओके, सो देयर फाइब्रस रूट दैट ग्रो अबव द ग्राउंड, है ना, ये ग्राउंड से मतलब ये ग्राउंड के ऊपर ग्रो होती है। आपने अभी जो रूट्स पढ़ी हैं, है ना, एक कैरेट की और एक पम्पकिन की, ये सारी ऐसी रूट्स हैं जो कि ग्राउंड के नीचे ग्रो होती है, लाइक अनियंस हो गई, वीट की जो रूट्स होती है वो भी ज़मीन के नीचे ग्रो होती है, कैरेट हो गया वो भी ज़मीन के नीचे ही ग्रो होती हैं। ओके, बट लेकिन एरियल रूट जो होती है वो हवा में ग्रो होती है, मतलब कि सॉइल के ऊपर ग्रो होती है। ओके, एरियल रूट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। ये अब रूट्स का काम तो पानी है, रूट्स का काम तो पानी स्टोर करके रखना होता है। ओके, बट लेकिन एरियल रूट कैसे पानी स्टोर करती है, जो भी हवा में जो मॉइस्चर है, मतलब हम हवा में जो पानी होता है उसको मॉइस्चर बोलते हैं। ओके, हवा में जो पानी का पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम मॉइस्चर बोलते हैं, इसको हिंदी में आप बोल सकते हो नमी। तो ये जो वो हवा में जो नमी होती है उससे जो पानी होता है उसको एब्जॉर्ब करके रख लेती है। ओके, सो एग्जांपल हो गया बरगद का पेड़, एग्जांपल है कि बैनियन ट्री जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में हिंदी में बरगद का पेड़ बोलते हैं, इंग्लिश में बैनियन ट्री बोलते हैं। ये एग्जाम्पल हुए आपके एरियल रूट्स के। फिर आती है बटरेस रूट। ओके, बटरेस रूट ऐसी एरियाज में पाया जाता है जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना, इनको हम रेनफॉल फॉरेस्ट बोलते हैं। फिर ऐसे एरिया जहाँ पर 12 महीने बारिश होती है, और जहाँ 12 महीने बारिश होती है तो वहाँ की जो सॉइल की कैपेसिटी या फिर सॉइल जो होती है वो ज़्यादा मजबूत नहीं होती है, कमज़ोर रहती है। ओके, सॉइल ज़्यादा मतलब सॉइल की क्वालिटी हम बोल सकते हैं पुअर होती है ना, वो कैपेसिटी नहीं होती है कि वो मतलब ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, और ना ऐसी कैपेसिटी नहीं होती कि जो रूट्स होती है उसको होल्ड कर सके, क्योंकि बारिश बहुत होती है इस वजह से। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ के जो ट्रीज मेनली जो ग्रो होते हैं, तो वो ऐसे ट्रीज ग्रो होते हैं जिनकी जो रूट्स होती है वो सरफेस पर ही रहती है, मतलब ज़मीन के ऊपर ही रहती है। पेज नंबर 75 पर आपको उसकी क्लियर इमेज दिख जाएगी, बेफिग ट्री है जो कि अबव द सॉयल सरफेस, हवा में तो नहीं रहती पर लेकिन अलॉन्ग द ग्राउंड वो रूट्स रहती हैं। ओके, ये ज़मीन तक ज़्यादा अंदर नहीं जाती, क्योंकि कुछ पोर्शन ज़मीन में रहता है और कुछ पोर्शन ज़मीन के ऊपर रहता है ना, सॉइल के ऊपर रहता है। ओके, रीज़न यही है कि वहाँ की जो सॉइल होती है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। ओके, सो ये जो ट्रीज़ होती हैं, ये जो पेड़ होती है, इस पेड़ के आसपास इस रूट्स इनकी फैल जाती है ताकि जो पेड़ है वो गिरे ना। ओके, और ज़मीन से कुछ पोर्शन ज़मीन में रहता है, कुछ पोर्शन सॉइल के अंदर रहता है, जिससे कि जो सॉइल है वो सॉरी जो पेड़ है वो गिर ना जाए। हाँ, जो भी न्यूट्रिएंट्स रहता है वो आधा जो कुछ पोर्शन जो उसका सॉइल के अंदर रहता है सॉइल से ले लेती है, बाकी जो रेन और थ्रू आउट द ईयर जो पानी गिरता ही रहता है तो पानी की कमी कभी महसूस नहीं होती ऐसे ट्रीज को। फिर आते हैं मैनग्रोव ट्रीज। ये ऐसे ट्रीज होते हैं जो कि कोस्टल एरियाज में यानी कि समुद्र के इलाके में या पानी के आसपास ही ग्रो होते हैं, क्योंकि इनकी जो रूट्स होती है वो पानी के अंदर रहती है, और इसके जो अपर वाला पोर्शन होता है पानी के ऊपर वाला पोर्शन रहता है। ओके, बुक में आप क्लियरली इसके एग्जाम्पल
दिख जाएगा, ये कुछ ऐसे एरियाज में ग्रो होते हैं जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो, आसपास के किनारे में पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ हो, क्ले सॉइल होते हैं जिन पर वो पानी बहुत ज़्यादा रहता है। क्ले सॉइल मतलब जिसके अंदर वाटर कंटेंट रहता है, मतलब उसमें हमेशा पानी रहता ही रहता है। ओके, तो ये जो रूट्स होती हैं ये पानी के, कुछ रूट्स पानी के अंदर और कुछ रूट्स पानी के ऊपर ग्रो होती है, अबव द वाटर, दिस विच हैज द ट्रिक टू एब्जॉर्ब द एयर, दिस रूट ग्रोज अबव द वाटर। ये रूट्स ज़्यादातर पानी के ऊपर ग्रो होती हैं, जो कि जितने भी जो ट्री होते हैं वो पानी के, विद द हेल्प ऑफ द ट्रीज एब्जॉर्ब एयर, और जो भी पानी हवा की रिक्वायरमेंट होती है वो ट्री के हेल्प से ये एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।